दोस्तों YouTube में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, जो भी आपको समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज आपको 70 वोल्ट 0 70 वोल्ट 25 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर का डेटा बताएंगे जो कि ये डीजे एम्पलीफायर में लगता है। तो दोस्तों इसमें जो 230 वोल्ट के लिए इसमें वाइंडिंग जो होगा वो होगा 216 टर्न्स रहेंगे और इसकी जो वायर रहेगी वो रहेगा 16 HWG। 230 वोल्ट के लिए इसमें 216 टर्न्स लपेटने हैं और इसमें जो वायर रहेगा वो 16 नंबर का तार रहेगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कोर में। दोस्तों कोर इसमें जो लगेगा वो रहेगा 7 नंबर का इसमें कोर लगेगा। और दोस्तों इसमें बनाएंगे इसकी जो स्टेक रहेगी यानी कि चौड़ाई इसकी जो रहेगी वो 4 इंच में रहेगा, इसकी जो चौड़ाई रहेगी 4 इंच में रहेगा। और दोस्तों इसकी सेकेंडरी में जो वाइंडिंग हम लोग लेपटेंगे, तो फ्रेंड्स आप 070 070 इसमें है तो 70 वोल्ट के लिए यहाँ पे रहेगा 65 टर्न्स, ठीक है, जो कि इसमें वायर जो रहेगा 14 नंबर का तार रहेगा। दोस्तों उसके बाद में आएगा 0 वोल्ट। दोस्तों 0 वोल्ट के लिए 0 यहाँ पे टर्न्स रहेंगे और उसके बाद में आपका रहेगा टर्न 70 वोल्ट के लिए 65 टर्न्स रहेगा जो कि वो भी आपका 14 नंबर का तार रहेगा यानी कि 14 HWG रहेगा। और ये जो ट्रांसफार्मर वर्किंग जो करेगा वो रहेगा 25 एम्पियर में, ये 25 एम्पियर में वह वर्क करेगा। और इसमें सेकेंडरी में जो भी आप वाइंडिंग करेंगे तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा बाईफिलर वाइंडिंग करें। बाईफिलर वाइंडिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा आपका दोनों साइड में सप्लाई आपका एक बराबर मिलेगी यानी कि दोनों वोल्टेज आपका जो रहेगा वो एक बराबर रहेगा। अगर आप रैंडम वाइंडिंग कर रहे हैं तो उस पीरियड में क्या होता है आपका उस टर्न में आपका कम बेसी रह जाते हैं तो इस हिसाब से वोल्टेज आपका कम बेसी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बाईफिलर वाइंडिंग कर रहे हैं तो दोनों साइड में वोल्टेज बराबर मिलेंगे। ट्रांसफार्मर ये 25 एम्पियर का है तो दोस्तों इसमें क्या है, एक आपका 70 वोल्ट जो है वो है 12.5 एम्पियर का और एक साइड में जो 70 वोल्ट है वो 12.5 एम्पियर का है। दोस्तों दोनों मिला के ये 25 एम्पियर दोनों मिला के देंगे। तो फ्रेंड ये रहा आपका 70 070 25 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का डेटा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों जय हिंद जय भारत।